रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन आमिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन 65 बिरयानी, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम चिकन ली हुई है, बोनलेस ली हुई है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून दही। इसके अलावा इसमें हल्दी जाएगी, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा यहाँ पे 1 टेबल स्पून। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, ये हसबे ज़रूरत। इसके अलावा यहाँ पे लिया हुआ है हमने पिसा हुआ साबुत धनिया लिया हुआ है यहाँ पे 1 टीस्पून। भुना हुआ यहाँ पे हमने भुना हुआ जीरा लिया हुआ है और इसको अच्छे से कूट लिया था, यहाँ पे लिया हुआ है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा पीसी मिर्च लिया है 1 टीस्पून। चाट मसाला लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून। और इसके अलावा यहाँ पे फूड कलर लिया हमने 1/4 टीस्पून। मैदा लिया 2 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया हमने 1.5 टेबल स्पून, ये सब इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें डालेंगे लेमन जूस, एक लेमन लेके इसका हम यहाँ पे जूस निकाल के डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फूड कलर इसलिए डालें ताकि कलर बहुत अच्छा है। मिक्स कर लेना, इसे हाथों की मदद से कर लें। चिकन में बहुत अच्छे से ये देखें मसाला मिक्स हो गया। दही बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, ये देखें, ताकि मसाला अच्छे से इसमें चिपक जाए, वरना बहुत ज़्यादा इसमें पानी पानी हो जाएगा अगर आप ज़्यादा दही डालेंगे। ये देखें, बस इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमारे चावल जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं। हमने तकरीबन 2.5 कप के करीब चावल लिए थे और उसको हमने पहले सोख करके रख दिया था। उसके बाद हमने तकरीबन 5 से 6 कप उसमें पानी डाला था और इसमें ज़ीरा डाला था हमने 1/2 टीस्पून, नमक डाला था 1 टेबल स्पून और इसमें डाला था हमने दालचीनी की स्टिक और 3 लौंगे डाली थी। और इसको तकरीबन 1 कनी तक हम बॉईल करेंगे। ये देखें, ये बस हो गया। अब हम इसका पानी छान लेंगे और चावलों को अलग करके रख देंगे साइड में। यहाँ पर हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। 1/2 कप हमने ऑयल गर्म पर रखा है, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस करके रखी हुई थी, ये ऐड कर देंगे। और इसका अच्छा गोल्डन कलर की इसको फ्राई करेंगे। प्याज अच्छी गोल्डन फ्राई हो रही है। अब इसमें से हम 1/2 निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे। टमाटर लिए हमने 3 मीडियम साइज के, ये इसमें डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। टू से 3 टेबल स्पून इसमें भी दही ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून। पिसी हुई मिर्ची डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। पिसी हुई मिर्ची आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आप मिर्च कम या ज़्यादा खाते हैं। हल्दी डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। ये रह गया था इसलिए ये मैं बाद में डाल लूँ, लेकिन ये सब अभी भुनेगा ही तो कोई मसला नहीं है। हम इन सब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम हमने लो कर दी और इसे कवर कर देते हैं ताकि अच्छे से टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मसाला देखिए अच्छे से भून गया और टमाटर सॉफ्ट हो गए। बस हम बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे हमने ऑयल गर्म पे रखा हुआ है चिकन में, जो हमने मसाला लगा के रखा था, तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया है। अब हम इसमें से 1-1 पीस निकाल लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल डिफरेंट बिरयानी है और बहुत ही अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए, ऐसे हम पीस फ्राई करने के लिए डाल लें। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का इस पर आया है, फूड कलर जो हमने इसमें डाला था। और मसाला बिल्कुल इस पर चिपका हुआ है, चिकन की बोटियों पे बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं हुआ है। एक तरफ से जब फ्राई हो जाएंगे अच्छे से 5 से 6 मिनट में, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। चिकन एक साइड से हो गई यहाँ पर, अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं।
तमाम साइड यहाँ पे हमने चेंज कर दी हैं और फ्लेम हमारा इस वक्त मीडियम है। यहाँ पर चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया। अब हम इससे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें बचा लिया, बाकी हमने अलग रख दिया साइड में। ऑयल गर्म है इस वक्त। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना। यहाँ मैं पुदीना यूज़ कर रही हूँ, वरना यहाँ पे कड़ी पत्ता लोग डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिरयानी में ज़्यादा किसी को खास पसंद नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे पुदीने का यूज़ किया है। अगर आप कड़ी पत्ता आपके घर वाले खाते हैं तो आप ज़रूर ऐड करें। अब इसमें दही डाल देंगे 3 टेबलस्पून, और यहाँ पे मेरे पास चिली सॉस है, यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और इसमें फ्राई की हुई चिकन हम डाल देंगे। एक लेयर हमारी बिरयानी में मसाले की लगेगी और एक लेयर हम इसके चिकन की लगाएंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से यहाँ पर चिकन 65 रेडी हो गई है। यहाँ ये मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया, बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बिरयानी की लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ा बर्तन लिया, इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है ताकि चावल नीचे से चिपके नहीं। अब इसमें चावल की लेयर लगाएंगे सबसे पहले। अब इसमें जो हमने मसाला रेडी करके रखा था वो ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त मसाले की भी, ये देखिए ये इसमें डाल देंगे। फिर चावल की लेयर लगाएंगे। अब थोड़ी सी चिकन ऐड कर देंगे इसमें। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट ये बिरयानी है, बहुत ही पसंद आएगी आप लोगों को। और हर ब्राउन की भी प्याज जो हमने थोड़ी सी निकाल के रखी थी ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें फिर चावल की लेयर लगाएंगे। बाकी का बचा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। हल्की सी प्याज ऐड करेंगे और बाकी के बचे हुए चावल भी इसमें ऐड कर देंगे और बाकी की बची हुई जो चिकन है वो भी इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे जो है इसमें सब, ये देखिए। थोड़ी सी प्याज रह गई है, ये डाल देंगे। फूड कलर ऐड कर देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे, दम पर लगा देंगे। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर से मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया। अब इसको कवर कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको तकरीबन हम यहाँ 15 से 20 मिनट के लिए दम पर छोड़ेंगे, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। यहाँ पर 20 मिनट हो गए, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन बिरयानी बनकर यहाँ पर तैयार हुई है, ये देखें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर ये बिरयानी चिकन 65 बनकर तैयार हुई है। ये देखें मसाला, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी और आपको कैसी लगी। ये देखें सब मिक्स हो गई। अल्लाह हाफिज़।